कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरी दुनिया में आतंक का माहौल बनाए हुए है। और जैसा कि आपको पता होगा है कि यह वायरस चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ है और यह वायरस अब चीन को तबाह करते हुए पूरी दुनिया सहित हमारे भारत में भी फैल रहा है। और अब तक इस वायरस से लगभग पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हुए हैं और वहीं 1,00,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस जानवरों से फैल रहा है और इसका डर भारत में चिकन खाने वालों को भी बना हुआ है। वहीं जहां चिकन का भाव 100 से लेकर 120 रुपए हुआ करता था, तो अब चिकन का भाव 50 से 30 रुपए किलो तक हो गया है। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है, यह वीडियो कर्नाटक के बेलगावी गाँव से वायरल हुआ है। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरीका से ट्रक में लदा हुआ मुर्गी को गड्ढे में जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। इस ट्रक में लगभग 6000 मुर्गे हैं और वहीं पोल्ट्री फार्म चलाने वालों का कहना है कि कोरोना वायरस के डर से पहले 70 से 60 रुपए किलो तक यह चिकन बिक रहा था और अब यह ना के बराबर ही बिक रहा है और इसका दाना पानी का खर्च डेली का बहुत अधिक है, इसलिए इस मुर्गे को जिंदा ही दफन कर दिया जा रहा है। और वहीं एक वीडियो और भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीका से सैकड़ों अंडों कोरोना वायरस के खौफ से फेंका जा रहा है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या चिकन और अंडे से कोरोना वायरस हो सकता है? नीचे हमें इसका जवाब कॉमेंट में जरूर दें। और इस वीडियो का वायरल करने का एक ही मकसद है कि आप सहेज और सतर्क रहें। धन्यवाद।